Okay, welcome, assalamu alaikum, and welcome to the fifth video of first module. अब तक आप लोगों के पास होस्टिंग और अपनी डोमेन आ गई होगी. अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आपने अपनी जो है वो वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे वन क्लिक के साथ अपडेट करनी है. तो आई पेज की आपने जो अभी परचेस किया है वहाँ पे आप जब आपका जो भी आपने यूज़र नेम और अपना पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ से आप अगर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे लॉगिन के बटन आ रहा होगा, उस लॉगिन पे क्लिक करें. यहाँ से कंट्रोल पैनल में आएँ और कंट्रोल पैनल में आके यहाँ पे आपने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपनी डोमेन के अंदर. इससे पहले कि आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करें आप लोगों ने एक चीज़ चेक करनी है. यहाँ पर डोमेन में आए, ये बेसिकली आपका कंट्रोल पैनल है जो आप लोगों ने अभी चीज़ परचेस की है, ठीक है. तो इस पैनल के अंदर जब आप आएंगे आपकी यहाँ पर डोमेन शो हो रही होगी, इस डोमेन को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से ये जो पॉइंटर्स का जो आ रहा है ऑप्शन, इसको चूज़ करके यहाँ से पार्ट की बजाय इसको होम डायरेक्टरी यहाँ से चूज़ कर लेना और इसे सेव कर लेना है, ठीक है. ये करने के बाद फिर आप लोग इधर ये होम का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे. होम के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके माई फेवरेट्स अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा तो आप लोगों ने, क्योंकि आपका न्यू अकाउंट है यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा होगा. अगर ये भी नहीं आ रहा होगा तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक जगह कुछ ना कुछ, अगर यहाँ पे भी नहीं नज़र आ रहा तो आप इधर जा सकते हैं. कहाँ पे है जी वो, एडिशनल टूल्स मार्केट प्लेस के अंदर, नहीं मार्केट प्लेस के अंदर नहीं, वेबसाइट बिल्डर के अंदर यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये वर्डप्रेस यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है. इस पे जब आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ से वर्डप्रेस के ऊपर तो आपकी एक क्लिक के साथ पूरी की पूरी आपकी जो है वो वेबसाइट अप हो जाएगी, ठीक है. अभी वो यहाँ पे भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगी, ठीक है. यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कि मेन्यू के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा वन क्लिक इंस्टॉल्स. इसके ऊपर आप जब माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर आपने आके क्लिक करना है और फिर यहाँ से हम लोग अपनी जो है वो वेबसाइट अप करने के काबिल हो जाएंगे. गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया. और यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में आए, यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ आ रहा होगा, इसको आपने इग्नोर कर देना, इससे हमारा कंसर्न नहीं है. यहाँ पे आपने जो है अपनी जो वेबसाइट जो आपने डोमेन परचेस की जो भी आपने चूज़ की वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है. डायरेक्टरी को एज इट इज़ रहने देना है, कुछ भी यहाँ पे एंटर नहीं करना और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है. तो ये सारे का सारा सेटअप हमारे लिए इंस्टॉल कर देगा. अच्छा, ब्लॉग इसके अंदर एंटर करें, ये वैसे एरर देना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने पॉइंटर सेट कर दिए थे, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का एरर आए तो ये अच्छा हो, ये एरर आ गया तो मैं उसके साथ ही सोल्यूशन भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट की डिटेल्स देनी है, जो भी आपकी लॉगिन डिटेल्स होंगी. तो पर्सनल इंजरी लॉयर, एडमिन यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दें और पासवर्ड भी चलें फ़िलहाल कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है.
ऑटोमेटिकली क्रिएट डेटाबेस, आई हैव रेड, ये सारे आपने द सेम डोमेन विल ओवर राइट एनी फाइल्स, ठीक है, ये सारा आपने चेक करके इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना और ये आप आपकी जो वेबसाइट है वो इंस्टॉल करेगा। तो ये आपकी वेबसाइट एक क्लिक के साथ साथ देखें ये सारी की सारी इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे ये जितनी भी ऑप्शन आ रही हैं आपने इनको कुछ भी नहीं करना है, इनको इनको ऐसे ही जाने दें, ये आपकी इंस्टॉल हो रही है वेबसाइट, यहाँ से कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी। ठीक है, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होगी। यहाँ पे आपने अपने इस क्लिक हेयर टू व्यू योर क्रेडेंशियल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है ये यहाँ पे शो कर देगा। तो ये देखें, ये यहाँ पे आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हुई है, ये लिंक आ गया और ये आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड जो भी आपने डाला था वो यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी वेबसाइट इंस्टॉल होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी बनी बनाई वेबसाइट आ गई। अब इसको सारे इसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करना है, जो भी सारा कुछ कैसे करना है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का सारा कुछ है, अगर आप एग्जैक्टली एज इट इज़ इसको फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ तक आपका ये सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो विद दैट बींग सेट, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।